हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉरनर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमिन की सिंपली हम आपको पहले ये समझा देते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मान लीजिए ये कोई पर्सन है इसका जो ये एबडामिन वाला हिस्सा है इस एबडोमिन वाले हिस्से को स्टडी पर्पज से हमने कुल नाइन रीजन्स के अंदर बांट दिया है मान लीजिए इसके एब्डोमिन वाले पार्ट को इस पार्ट को हमने इस पर्सन के नौ रीजन्स में बांट दिया है और एग्जाम से इस टॉपिक से क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किस क्वाड्रेंट्स में कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मौजूद है या फिर पूछ लिया जाता है कि किस डिजीज कंडीशन में कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन है तो उसमें आपको पेन किस रीजन में होगा तो इस टेबल की मदद से इस वीडियो की मदद से आप इन क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं एग्जाम के अंदर स्पेशली नर्सिंग कंपिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक से एक या दो नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हम सभी यह जानते हैं कि एक या दो नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है सो लेट्स बिगे इस वीडियो हमने अभी डायग्राम के अंदर यह तो समझ लिया था कि टोटल हमने एबडोम रीजन को नाइन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है इस टेबल में आपको पूरे नौ ब्लॉक्स दिखाई देंगे और कौन से ब्लॉक में कौन सी स्ट्रक्चर आती है उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊपर और राइट साइड में स्थित ब्लॉक की जिसे हम राइट हाइपोकड्रियक रीजन के नाम से जानते हैं इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं लीवर गॉल ब्लैडर और राइट किडनी लीवर गॉल ब्लैडर राइट किडनी आपके राइट हाइपोकंड्रियक रीजन में आती है नेक्स्ट आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंतर स्टमक लीवर पैंक्रियाज और राइट एंड लेफ़्ट किडनी का कुछ हिस्सा आता है फिर हम बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकंड्रियक रीजन की लेफ्ट हाइपोकड्रियक रीजन में स्टमक लीवर टिप लेफ्ट किडनी और स्प्लिंग इन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है फिर हम बात करते हैं राइट लंबर रीजन की इसमें लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन असेंडिंग कॉलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी ये चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इस क्वाड्रेंट में पाई जाती हैं इसके बाद हम बात करते हैं अम्बिलिकल रीजन की अम्बिलिकल का सिंपली मीनिंग होता है नाभि वाला क्षेत्र इसके अंदर स्टमक इस का कुछ पार्ट पैंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन का काफ़ी बड़ा हिस्सा और ट्रांसवर्स कॉलोन कंप्लीटली पाई जाती है फिर हम बात करते हैं लेफ्ट लंबर रीजन की इस पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन डिसेंडिंग कॉलोन लेफ्ट किडनी इन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है अब हम बात करते हैं राइट इलियक रीजन की राइट इलियक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स सिकम एंड असेंडिंग कॉलोन इंक्लूडेड हैं नेक्स्ट आता है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सिग्मोइड कॉलोन और ब्लैडर इंक्लूडेड हैं लास्ट आता है लेफ्ट इलियक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड कॉलोन इस स्ट्रक्चर्स में पाई जाने वाली इस लोकेशन में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं एक बार आप फिर से इस सभी इस पूरी टेबल को आप अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करिए एक पर्सन आपके सामने खड़ा है उसका जो एब्डोमिनल रीजन है उसको आपने इमेजिनरी लाइन के द्वारा नौ पार्ट्स के अंदर नौ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक को आपने क्वाड्रेंट नाम दिया है और ये देखने की कोशिश करिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की लोकेशन है इस चीज़ को जब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे तो इस टेबल को याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सबसे पहले अपर में राइट हाइपो रीजन एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इपोकॉन्ड्रिय रीजन है फिर मिडिल वाली में राइट लंबर रीजन अम्लिकल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन है फिर नीचे है राइट इलियक रीजन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन इस तरह से आप इस पूरी टेबल को याद रख सकते हैं अब हम बात करते हैं डिजीज कंडीशंस की जहां से अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डिजीज कंडीशन में पेन किस रीजन में होगा ये वाला क्वाड्रेंट है आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और यह है एपिगैस्ट्रिक रीजन राइट हाइपोकड्रियाक रीजन के अंदर गोल स्टोन स्टमक अल्सर पेंक्रियाटाइटिस इन तीनों डिजीज का पेन राइट हाइपोकंड्रियक रीजन में देखने को मिलेगा जबकि लेफ्ट हाइपोकड्रियक रीजन के अंदर स्टमक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर बिलियरी कोलिक और पैंक्रियाटाइटिस का पेन देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हम बात करें तो स्टमक अल्सर हो हर्ट बोन या इंडाइजेशन हो पैंक्रियाटाइटिस हो गॉल स्टोन्स हो या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो इन सभी सिचुएशन में पेन आपको मुख्य रूप से एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की राइट लंबर रीजन लेफ्ट लंबर रीजन अम्लिकल रीजन किडनी स्टोन्स यूरिन इन्फेक्शन कॉन्स्टिपेशन लंबर और हर्निया लंबर हर्निया इन सभी का पेन आपको राइट लंबर रीजन में देखने को मिलेगा जबकि लेफ्ट लंबर रीजन के अंदर किडनी स्टोन डायवर्टिक्यूलर डिजीज कॉन्स्टिपेशन इन्फ्लामेट्री बाउल डिजीज आदि का पेन देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं अम्बलिकल रीजन यानी नाभि वाला क्षेत्र इसके अंदर पैंक्रियाटाइटिस अर्ली अपेंडिसाइटिस अल्सर इन्फ्लामेट्री बाउल डिजीज स्मॉल बाउल डिजीज अम्बलिकल हर्निया आदि से संबंधित पेन या फिर कंडीशंस में ये चीज़ इफेक्ट होती है अब हम बात करते हैं राइट right,

अब हम बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक है रीजन की यूरिन इन्फेक्शन अपेंडिसाइटिस डाइवर्टिकुलर डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पेल्विक पेन रिलेटेड टू तो द गाइनेकोलॉजिकल कंडीशंस ऑल आर सीन इन दिस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन डाइवर्टिकुलर डिजीज पेल्विक पेन रिलेटेड टू तो गाइनी ग्रोइंग पेन रिलेटेड तो टू द इंग्वाइनल हर्निया आर मोस्टली सीन इन द लेफ्ट इन आई लियक रीजन सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट अबाउट द एबडोमिनल क्वाड्रेंट मोस्टली यहाँ से एनाटोमिकल लोकेशंस क्या हैं कौन से क्वाड्रेंट की और कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन से क्वाड्रेंट को इफेक्ट माना जाता है अफेक्टेड माना जाता है अक्सर पूछा जाता है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन share this video with your friends and subscribe our youtube channel its name for nurses preparation for more such interesting videos all the best